दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक कपल ने आईफोन के लिए अपनी ही सगी बच्ची को बेच दिया, और तो दोस्तों एक लड़की ने अपना घर खरीदने के लिए ऐसा दिमाग लगाया जी में किसी ने सोची नहीं होगी। तो फिर चलिए दोस्तों ऐसे फनी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास। फैक्ट नंबर वन, आईफोन का नया मॉडल जब भी आता है तो उस पर एक मीम तो जरूर बनता है कि आईफोन खरीदने का मतलब किडनी को बेचना। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बंदे ने सच में आईफोन के लिए अपनी किडनी को ही बेच दिया। दोस्तों 2011 में चीन में रहने वाले 17 साल के वांग शांगुन ने आईपैड और आईफोन के लिए अपनी किडनी ही बेच दी, और उनका ये कहना था कि वो एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद ये खबर आई कि जो उनकी एक किडनी बची थी उसमें भी इन्फेक्शन हो गया, और अब वो जिंदगी भर के लिए बेड पर ही रहे। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों चीन में एक कपल ने आईफोन के लिए अपनी बच्ची को बेच दिया। कुछ भी बोलता है साला यार, भगवान ने जवान दिया तो कुछ भी बोलेगा। नहीं दोस्तों ये बात एकदम सच है। चीन के कपल पर आरोप है कि इसने आईफोन खरीदने के लिए अपनी तीसरी बच्ची को 50,000 युआन यानी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 5 लाख में बेच दिया। दोस्तों फिर इस कपल पर मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन कपल ने अपनी बच्ची को गोद देने का विज्ञापन ऑनलाइन ही जारी कर रखा था। अब दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट तो प्लीज जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों घर लेने का सपना आखिर किसका नहीं होता। आज हर कोई अपना घर लेना चाहता है, लेकिन चीन में घर लेने के लिए एक लड़की ने एक ऐसी तरकीब लगाई जिसके बारे में किसी ने भी जी में किसी ने सोची नहीं होगी। चीन में एक लड़की ने 20 बॉयफ्रेंड बनाए, फिर उनसे 20 आईफोन लिए, और उसके बाद उन आईफोन्स को बेचकर अपने लिए नया घर ले लिया। आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पक्का एकदम झूठ लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये बात एकदम सच है। चीन में शायली नाम के एक कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट जो कि घर खरीदना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसने ऐसा दिमाग लगाया कि आप सुनकर एकदम चौंक जाओगे। उसने एक दो नहीं बल्कि 20 बॉयफ्रेंड बनाए, और सभी बॉयफ्रेंड को एक एक आईफोन 7S देने के लिए राजी भी कर लिया, और सभी से आईफोन लेने के बाद उस आईफोन को बेच कर अपने लिए घर ले लिया। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आईफोन सच में इतना जरूरी है?